जय श्री कृष्णा। सो फ्रेंड्स, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग है वो आप देख पाएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी का हमने कैसे बनाया महोत्सव, वो आपको आज पता चलेगा। तो सबसे पहले कृष्ण के लिए जो प्रसाद बनाया हमने, तो हमने पंजीरी प्रसाद बनाया था। उसके लिए हमने देखो सामान लिया हुआ है। इसमें धनिया है, खड़ा धनिया, शक्कर, काजू, बादाम, मखाना और ये घी। तो मैं कढ़ाई के अंदर एक देसी घी डाल रही हूँ। तो एक कढ़ाई लिया, उसको गर्म करके मैंने देसी घी डाला, आप देख पा रहे होंगे। तो कृष्ण के लिए पंजीरी प्रसाद का बड़ा ही महत्व है। तो सबसे पहले जो अगर हमने जैसे कि व्रत रखा हुआ है, तो पंजीरी प्रसाद से ही व्रत को ओपन किया जाता है। कृष्ण जन्म के पश्चात उनको भोग लगाने के पश्चात इसी प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। तो देखिए, मैंने अभी बादाम डाले हैं और बादाम जब फ्राई हो गए तो मैंने अभी काजू भी फ्राई कर लिए हैं इसी तरह से घी के अंदर। अवेलेबल हो इसमें मगज वगैरह जो होते कहते हैं खरबूजे गिरी कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं। अभी मैं धनिया है वो भी इसको घी के अंदर रोस्ट कर रही हूँ, थोड़ा धनिया है। अब मैंने सारे जो है इस धनिया को शक्कर के साथ पीस लिया है। अब इस कढ़ाई के अंदर मैंने क्या करा है, थोड़ा सा घी डाला है। उसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स मिक्स डाल दिया है। मिश्री डाल दिया और जब भगवान जी के पास लेके जाएंगे तो इसके अंदर तुलसी पत्ता डाल देंगे तो पूरा प्रसाद बन जाएगा। अब हम जा रहे हैं मंदिर पे। इस बार जो अपने कान्हा जी को लेकर मंदिर पे जा रहे हैं, वहाँ हमारे पेट का सारा महोत्सव वहीं बनाया गया था। सब अपने बाल गोपाल कान्हा जी को यहाँ लेकर आए थे। देखिए हमारा मंदिर है माँ की साइकिल का, यहाँ हमें पंडित जी आए हुए थे। पंडित जी ने उनको स्थापित किया, बिठाया उनको और देखिए आप सही प्रोसेस। हमारी ये पंडित जी बुलाए थे हमें सोसाइटी के लिए, बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन किया होता कान्हा जी के बर्थडे के लिए, जन्माष्टमी के लिए, कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। और कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व बहुत बड़ा है हम हिंदुओं के लिए। तो साथ साथ आजकल तो पश्चिमी सभ्यता में भी बहुत से लोग कृष्ण को मान रहे हैं, अपना रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी तक देखिए जो है पूजा चालू हो रही है। तो कृष्ण की जो स्टोरी है वो तो सबको पता ही होगा। तो ये कृष्ण जो है उनका अवतार हुआ था माता देवकी जी के पास। वहाँ उस रात उस कारागृह में बहुत ही बरसात हो रही थी। सारे भगवान जी कृपा से सारे जो बंदी, सारे जो चौकीदार थे, सारे जो सैनिक थे, वो सारे बेहोश हो गए थे। तो वासुदेव जी इनको यमुना पार करके एक टोकरी में लेके गए थे और माता यशोदा जी को के पास रख कर आए थे। तो ये हमारे जो पंडित जी हैं वो सारे मंत्र उपचार से सारा कान्हा जी को स्नान उनका सब पूजन वगैरह कर रहे हैं। अब ये हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, जिन जिन के बाल गोपाल आज कान्हा जी इस झूले पे हैं वो सब लोग पूजा कर रहे हैं। तो मंत्रोपचार जो सारा है वो चालू है। हमारे पंडित जी ने सब
सारे मंत्र उपचार कर दिया है, विधि विधान के साथ हमने आज पूजन किया है भगवान जी का। पर सब सबके कान्हा जी को दिया जा रहा है। अब हम कान्हा जी का स्नान करवाएंगे मंत्रोपचार के साथ, उनका दूध दही घी शक्कर जो भी हमको विधि पंडित जी ने बताया उस तरह से विधि विधान से हम उनका स्नान कराएंगे मंत्रोपचार के द्वारा। और फिर तत्पश्चात हमको उनको वस्त्र पहनाकर हमें झूले के ऊपर बिठा देंगे, फिर पर्दा लगा दिया जाएगा और जो 12 बजे ठीक 12 बजे भगवान जी का पट खोले जाएंगे और कृष्ण जन्माष्टमी का जो अवसर है उसका समापन महाआरती और मटकी पूजा के साथ किया जाएगा। तो यहाँ पंडित जी बैठ गए हैं, हम सब लोगों ने अपने अपने कान्हा जी को पूजन स्टार्ट कर दिया है। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे 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 राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। यहाँ पर भगवान जी को भोग लगाने के पश्चात उनके कपाट बंद कर दिए जाएंगे अर्थात पर्दा लगा दिया जाएगा। अब 12 बजे के पश्चात ही उनके कपाट अर्थात पर्दे को खोला जाएगा। इस दौरान हमारे सोसाइटी के अंदर सारी महिलाओं ने मिलकर गरबा किया, भजन किया, तो ये पूरा 12 बजे तक सारा भजन कीर्तन चला। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ गरबे चल रहे हैं और भजन चल रहे हैं, ये पंडित जी हैं तो अभी बस 12 बजने वाले ही हैं। कृष्ण लला का जन्मदिन होने ही वाला है, कृष्ण लला प्रकट होने ही वाले हैं, बहुत कम टाइम बचा है। तो ये सारा टाइम जो है, जितना भी वक्त बचा हुआ है, वो सब महिलाएं गरबा करके भजन कीर्तन करके अपना टाइम व्यतीत कर रही हैं, अपने समय व्यतीत कर रहे हैं। सब ये महिलाएँ हमारी सोसाइटी की हैं सब। और देखिए यहाँ बहुत अच्छा ढोल बजाया जा रहा है,
यहाँ देखिए मस्त गरबा चल रहा है। और गुजरात हो और गरबा ना हो ये तो हो नहीं सकता, इसलिए हमारे यहाँ तो गुजरात में जो भी कोई फंक्शन होता है भगवान के सामने गरबा जरूर किया जाता है खुशी से। यहाँ देखिए भगवान जी का जन्म हो गया है, 12 बज गए हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कान्हा जी का जन्म हो गया है, उनके दरवाजे खोल दिए गए, कपाट खोल दिए गए हैं, उनके सामने जो प्यारा प्यारा सा प्रसाद रखा हुआ है, मधुर मधुर प्रसाद रखा हुआ है। और भगवान जी की मूर्तियाँ देखिए कितनी मनमोहक लग रही हैं। हम चाहते हैं कि भगवान जी की कृपा हम सब पर ऐसी ही बनी रहे। और यहाँ देखिए आरती, महाआरती जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो महाआरती कृष्ण जन्माष्टमी में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो यहाँ देखिए महाआरती की तैयारियाँ हो गई हैं, भजन कीर्तन के साथ महाआरती प्रारंभ हो चुकी है। और देखिए यहाँ से सब बच्चे बड़े सब आरती में सम्मिलित हुए हैं। देखिए दो बालक भी आगे बैठे हैं, आगे कर रहे हैं आरती। तो ये हमारे देश की यही तो एक बहुत अच्छी खूबी है कि हमारे यहाँ हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे सब मिलकर हम लोग त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। इसके पश्चात देखिए हम मटकी फोड़ का प्रारंभ चल रहा है कि कान्हा जी जो बने थे उन्होंने मटकी फोड़ दी है। इस तरह हमारा जयपुर से जन्माष्टमी का महोत्सव बड़ा ही अच्छी तरह से बना। आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, अच्युतम कृष्ण कृष्ण नारायण रूपिका वल्लम बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।